हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। मैं आप लोग को डाटा रिपीटेशन पे क्लास करवाने वाली हूँ। आज हमारा डीआई का फर्स्ट क्लास है। मैं डीआई का सबसे पहले आपको थोड़ा सा इजी लेवल का करवाने वाली हूँ, और जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता जाएगा मैं अपना लेवल भी थोड़ा इंक्रीज करती जाऊंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। डीआई बैंकिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता ही है, बट एसएससी और रेलवे वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है। डीआई का क्वेश्चन ज़्यादातर रेशियो, परसेंटेज और एवरेज पे ही बेस होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करती जाऊंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज डीआई सिंपल लेवल का रखी हुई हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डीआई है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी डीआई को करने से पहले हमें सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि नाम ही है डाटा इंटरप्रिटेशन। पहले जो डाटा दिया होता है तो हमें डाटा को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक उसे देखना चाहिए कि डाटा कह क्या रहा है। हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें डाटा को अच्छे से समझना होता है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डाटा कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका विभिन्न वर्षों में चार अलग अलग संस्थाओं में स्कूल परियोजनाओं को करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14, 15 एंड 16, और ये इंस्टीट्यूशन है ए बी सी एंड डी। तो ए में भी बॉयज़ और गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है, बी में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है, सी में भी सेम बॉयज़ गर्ल्स का, और डी में भी बॉयज़ गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है। अब डाटा तो हम समझ लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2012 में सभी संस्थानों एक साल के दौरान परियोजनाओं को करने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या थी। 2012 का बॉयज का एवरेज पूछा हुआ है 70, 30, ये हुआ 50 एंड ये हो गया 50। हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम अप्रोच थ्रू बनाएंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग कैसे अप्रोच के साथ बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बेसिक मेथड भी बताएंगे कि बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं। जैसा हमारा डाटा दिया होता है तो उस डाटा को देखते हुए हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं और उससे सारे डाटा को हम कंपेयर करते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो मान के चलिए हम इसमें जैसे 70, 30, 50, 50 है, तो हम बीच का वैल्यू एक ले लेते हैं, तो मान के चलिए हम 50 लेते हैं, ठीक है। तो 50 लेते हैं, तो 50 हमारा क्या है, 70 में कितना है, 70, 50 से प्लस का 20 हो जाता है, 30 कितना हुआ है, माइनस का 20 हो जाता है, 50 तो कुछ नहीं, और ये 50 है तो ये 0 हो जाता है, तो इससे कंपेयर करना ही नहीं है। तो प्लस और माइनस मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो मेरा एवरेज वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया, तो हमारा आंसर भी हो गया। ये तो बाय लक की बात है कि मैंने 50 माना और 50 हमारा आंसर हो गया। मे भी अगर 50 ना लेके अगर हम दूसरा नंबर को यूज़ करते तो फिर क्या होता, चलिए हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मान के चलिए 40 ले लेते, ठीक है, 40 लेते तो वो 70 से कितना ज़्यादा है, तो ये हम देख सकते हैं कि 70 से ये प्लस का 30, ये 30 है तो 40 से माइनस का 10, ये 50 है तो ये प्लस का 10, और ये भी 50 है तो ये क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 30 और 10 40, 40 by 4। 4 हम इसलिए लिए क्योंकि हमारा ये इंस्टीट्यूट कितना सारा है, ए बी सी एंड डी, चार है ना, तो चार नंबर हो गया, इसीलिए हमने चार से डिवाइड करना होता है। तो इक्वल टू 10, 10 क्या प्लस क्या है ना, साइन पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
तो ये प्लस का है, तो मतलब यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये 40 में हम प्लस का 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर बेसिक मेथड से करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हम ये सभी को पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे 70 हो गया, 30 हो गया, 100, और 150, 150 और 50, 200। एवरेज को निकालने के लिए होता है टोटल का सम, टोटल नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर। और नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है अपॉन में 4। तो ये हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 मेरा एवरेज हो गया। ये छोटा नंबर है इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये यही इजी है, बेसिक ही इजी है, लेकिन नहीं। जब अगर बड़ा डाटा दिया होता है तो ऐड करो फिर मल्टीपल करो, तो वो मेरा टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसलिए ये वेस्ट अप्रोच होता है एवरेज निकालने के लिए, वो आप लोग को समझाना होता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख रही हूँ। बाकी हम तो देख के यहाँ से भी पता कर सकते थे कि मेरा कितना ज़्यादा है। ये सभी माइंड कैलकुलेशन होता है, माइंड में करके हमें बनाना होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, 2013 में संस्थान ए में परियोजना को करने वाले लड़के, 2013 में ए का लड़का बोल रहा है 45 है, 2014 में संस्थान बी में परियोजनाओं को करने वाली लड़कियां, बी में 2014 का गर्ल्स का बोल रहा है, और 2015 में संस्थान सी में परियोजनाओं को करने वाले लड़के एक साथ की कुल संख्या क्या थी। तो 2015 का सी का बॉयज का पूछा है, सबको ऐड करना है। 45, 25 हो गया, 70 और 20, 90, हमारा 90 आंसर हो गया। चलिए हम लिख के बताते हैं, 45, 20 और ये हो गया 25, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 80 और 10, 90, हमारा 90 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वर्ष 2012 और 13 में संस्थान डी में परियोजनाओं को करने वाले लड़कों की कुल संख्या, ये डी का बोल रहा है, 12 का और 13 का टोटल, इसका इसको ऐड करेंगे। फिर 2016 में सभी संस्थानों के बीच में परियोजनाओं को करने वाली लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था, इसमें परसेंटेज मांग रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2016 का गर्ल्स का बोल रहा है 20, 60, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया ये 10, तो 50, 40, 90, यहाँ पे हम 90 दे देते हैं। फिर 20, 60, 80, 80, 20, 100, 110, 110। ठीक है, तो ये 110, जब भी परसेंट बोलेगा निकालने के लिए तो परसेंट को निकालने के लिए हम हमेशा पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये रेशियो हमारा ये 9/11 हो गया। और परसेंटेज में हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का याद रखना जरूरी होता है, उससे हमारा क्या क्या होता है कि टाइम हमारा सेव होता है। तो 1/11 का परसेंटेज होता है 9.09%। ये तो हमें याद है तो मैंने लिख लिया, अगर नहीं याद है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 1/11 मल्टीपल 100, 100 से इसको मल्टीपल करते हैं। तो आप देखिए अब इसको क्या करेंगे, 11 नंबर 99, 9.0, फिर ये 9 से जाएगा, हो गया ना 9.09%। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9.09%, यहाँ ऊपर में कितना दिया हुआ है 9/11, तो हमको 9 से मल्टीपल करना होगा, तो 9 नंबर 81, ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 82 है। ठीक है, तो नियरेस्ट वैल्यू हमारा देख रहे हैं कि 82 है। यहाँ बोला भी है कि लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग वही निकालना है, और 0.9 तो थोड़ा सा इसको निगलेक्ट करके चले थे, सिर्फ 9 को ही कैलकुलेट किए थे ना, इसलिए हमारा 82 आंसर हो जाएगा। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, 81, तो हमारा अप्रोक्स देख रहे हैं कि ऑप्शन के अनुसार हमारा 82% हो गया, ये हमारा ये वैल्यू हो गया। एग्जाम में हमें यही रेशियो मेथड से ही बनाना होता है। ये हमारा क्या होता है कि टाइम को सेव करते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होता है तो हम इजीली तुरंत नहीं
तो बेसिक मेथड से अगर बनाने चलते हैं तो बेसिक मेथड से क्या करना पड़ता है, लंबा सा कैलकुलेशन हो जाता है, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीपल करो, फिर परसेंटेज निकालो, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन जाता है। चलिए मैं वो बेसिक मेथड भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 90 आया था ना, तो 90 डिवाइडेड बाई 110 आया था, तो 110 और मल्टीपल का परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज मतलब 100, तो मल्टीपल का 100। अब इसको हम काटेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो फिर जाके हम इसका निकालेंगे, तो अप्रोक्स अप्रोक्स हमारा वही 82 आंसर आएगा। यहाँ पे अप्रोक्स में 82 आएगा, 82%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2014 में संस्थान सी में परियोजनाओं को करने वाली लड़कियों की संख्या है ना, 2014 में सी का, 2014 में सी का यहाँ पे कितना हो गया, सी 2014 का लड़कियों की संख्या 40। उसके बाद कह रहा है वर्ष 2016 में संस्थान ए में परियोजनाओं को करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है, तो लड़कों का संख्या कितना है 20, तो 40 22 रेशियो 1 मेरा बी आंसर है ना, 40 रेशियो 20 40 2 रेशियो 1 बी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2014 में संस्थान ए में 20% लड़कों ने निर्धारित समय से पहले 20% बोल रहा है लड़का निर्धारित समय से पहले परियोजनाओं को पूरा कर लिया था, तो परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने वाले लड़कों की संख्या क्या थी, ठीक है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 1/5 और 2014 का ए का बोल रहा है, तो 14 का ए का वॉइस कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 मल्टीपल 1/5 तो 5 × 5 = 10, 12 हमारा आंसर मतलब डी, डी हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता है ना, तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही इजी रहता है। ये हमारे माइंड में करना होता है, एग्जाम हॉल में हम इतना लिखने नहीं जाते हैं, ये सब कैलकुलेशन सब माइंड का है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। अगर बेसिक से बनाते तो बेसिक से देखिए कैसे बनाते हैं, बेसिक अप्रोच भी आप लोग को बता दे रहे हैं। 60 है नंबर दिया हुआ है 60, इसका 20% बोल रहा है, तो 20% तो मल्टीपल 20/100, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, 6 × 12, ये छोटा नंबर है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तरीका ही बेस्ट है, बेसिक मेथड, लेकिन नहीं, जब बड़ा नंबर होता है और तब अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये अप्रोच जो फर्स्ट हम बताए हैं ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है परसेंटेज निकालने का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा सेकेंड डीआई है, फर्स्ट डीआई हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये सेकेंड डीआई है। तो चलिए ये डीआई को करने से पहले हम सबसे पहले मेरा क्या हम करते हैं, पहले हम इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये क्लास बिगनर को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ, एकदम बेसिक से और एकदम स्लो पढ़ा रही हूँ, जब ताकि हमारा बिगनर भी अच्छे से समझ पाए। चलिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित ग्राफ 2015 से 2013 तक तमिलनाडु में विक्रय की गई लेखक एफ वाई जेड के लिखित पुस्तकों की संख्या के विषय में जानकारी को दर्शाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2015 दिया हुआ है, 2016, 17, 18 और 19 का दिया हुआ है, ये कुछ डाटा दिया हुआ है और ये डाटा पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2019 में पुस्तकों की बिक्री वर्ष 2018 की तुलना में इससे कितना अधिक है, तो 2019 का बोला है ना और 2018 का बोला है, तो 2019 का हम लोग देख रहे हैं, तो 2019 में कितना है,
2019 का हमारा 600 दिया हुआ है और 2018 का हमारा 520 दिया हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं कि 80 का हमारा अंतर है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए मैं लिख के बताती हूँ, 600 - 520 तो ये कितना हो गया, 80 हो गया ना, तो 80 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2017 से 2019 तक बिक्री की गई पुस्तकों की संख्या क्या है। तो 2017, 2018 और 2019 तीनों का हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 550 प्लस 520 प्लस 600, ठीक है, सभी को हम ऐड करते हैं, 5, 5, 10, 6, 16, 1600 और 50, 20, 70, ठीक है, 1670 हमारा बी हमारा आंसर हो गया। आप देख ले पा रहे होंगे कि मैं लेफ्ट टू राइट ऐड कर रही हूँ, ना कि राइट टू लेफ्ट। बचपन से ही हम सीखते हैं कि हमें हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाना चाहिए, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो राइट से लेफ्ट ऐड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लेफ्ट से राइट अगर हम ऐड करते हैं तो ईजिली हम ऐड कर पाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप अब से लेफ्ट टू राइट ही ऐड करें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वाधिक थी। मतलब पिछले वर्ष से कंपेयर करना है और ये देखना है कि सबसे हाई सबसे ज्यादा किस वर्ष इंक्रीज किया हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि 2015 में 500 है और 2016 में 400, तो ये डिक्रीज किया है, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। और दो ये 400 है और यहाँ पर 550 है, तो 500, 400, यहाँ पर 550, तो 2017 मेरा आंसर हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2018 में 520 ये भी डिक्रीज किया, तो आंसर मेरा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हमारा 2019 में 600 दिया हुआ है, तो ये इसे क्या इंक्रीज किया हुआ है, तो 2019 भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम देखना है कि 2017 और 19 में सबसे हाई किस में है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि 2017 में मेरा सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है, तो मेरा आंसर 2017 हो गया, तो ये तो हम देख के समझ सकते हैं। चलिए आप लोग को अब लिख के बताते हैं कि ये कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर किसे कर रहे हैं, 400 से ना, कितना में, 550 में ना, तो कितना इंक्रीज कर रहा है, 150। कंपेयर किसे करते हैं, 400 से, जिससे भी कंपेयर करना होता है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये हम मल्टीपल किए तो इसे काटे कितना हो गया, 5 × 15 = 48, तो ये कितना हो गया, 3/8 है ना, 3/8, तो 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू, जिसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। 12.5% अगर हमें याद है तब तो हम माइंड कैलकुलेशन में ऐसे करके डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीपल कर देते, 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36 और 0.5 तो 1.5, तो 37.5। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे हम, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे 12.5% से, तो ये हमारा हो जाएगा 37.5%। ये नीचे का 8 हट जाएगा क्योंकि ये 8 1/8 का ही वैल्यू हम 12.5% लिखे हैं ना, तो ये मेरा, ये हम इसको नहीं लिखेंगे, एक मिनट मैं आपको क्लियर लिख के दिखाती हूँ। ये हमारा 37.5% हो गया। ये तो याद था तो हमने लिख लिया, अगर नहीं याद रहता तो हम क्या करते, तो हम क्या करते, 1/8% का मतलब ही होता है 100 × 100, तब इसको हम क्या करते, मल्टीपल करते, तो है ना, तो इसको तो क्या हो गया, 8×8 = 1 और उसके बाद 2 बज गया 20, 8 × 2 = 16, उसके बाद कितना हो गया, 4 = 8 = 40, 12.5%।
ऐसे में हमारा क्या होता है, टाइम ज्यादा जाता है और मुझे याद रहता है, तो हम लोग टाइम अपना बचा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये हम लोग 2017 का देख लिए। अब हम लोग 2019 का देखते हैं। 2019 में 520 से 600 मतलब 80 है ना, 80 ज्यादा है, तो 80 हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 520 से। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 3 12, ये हमारा हो गया 2/13। तो 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7.69%। तो हम देख सकते हैं 7.69 है, मतलब 8 मान लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग लगभग का 16% हो जाएगा ना। एग्जैक्ट तो 16 नहीं आएगा क्योंकि 0.69 है, तो लगभग मेरा 16 था, इससे ये तो ज़्यादा ही होगा, इसीलिए मेरा आंसर कितना हो गया, 2017 आंसर होगा। इसे भी हम अगर, ये तो याद था तो 7.69, लेकिन अगर नहीं याद रहता तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते, 1/13 × 100% का मतलब होता है 100, ऐसा करके फिर इसको इससे डिवाइड करते तो क्या हो जाता, 7.69%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2020 में पुस्तकों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 20% से कम हो जाएगी, और फिर वर्ष 2020 में और उसी प्रकार वर्ष 2016 में बिक्री की गई पुस्तकों के बीच में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2016 में इतना इसे हमको करना होगा कंपेयर, तो इसको क्या करते हैं 400 इसको पहले मार्क कर लिए। उसके बाद 2020 का डाटा निकालना है, 2020 तो हम देख रहे कि कहीं दिया ही नहीं है, तो कंपेयर किसे करना है, पिछले वर्ष मतलब 2019 से। तो 2019 से जो कंपेयर करेंगे तो 2019 का कितना है डाटा, 600 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 600 कितना कम है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ये मुझे याद है, मैथ कैलकुलेशन है, ये सब लिखना नहीं पड़ता है बट समझाने के लिए लिखना है। तो ये जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब कॉपी में मत देखिएगा, सिर्फ याद रहे, मैथ कैलकुलेशन करना है और डायरेक्ट इसे 20% लेस करके इसको डायरेक्ट यहाँ पे करना है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 5 हमारा ओरिजिनल वैल्यू, हम मानते हैं 5 को, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का जब 20% 1 होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20% कम हो जाएगा। तो 20% 1 होता है मतलब 5 से 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 600 का हमको 4/5 निकालना है, तो 5 मल्टीपल की इसको डिवाइड किए कितना हो गया, 5 एक 5, 5 दूना 10, 0, 12 चौका 48, 480। अगर 20% ये जो ऐसे निकाले, अगर याद नहीं रहता तो 20% परसेंट मतलब 100, तो 20/100 तो कितना हो गया, 20 पंचे 100, 1/5 ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो 480 हमारे 2020 का निकल गया, 480 है, 2016 का कितना है, 400 है, तो हम देख रहे हैं कि 80 का हमारा अंतर आ जाता है ना, तो 400 का कितना का अंतर आ गया, 80 का आंसर, तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी, 80 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2018 में बिक्री की गई पुस्तकों की संख्या वर्ष 2015 में उसकी कितने गुना है, गुना मतलब उससे कितना मल्टीपल ज्यादा है। तो 2018 का 2015 का कह रहा है, तो 2015 का 500 है, 2018 का 520 है, तो सबसे पहले हमको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, नंबर को पहले लिस्ट नंबर बना लेंगे, मतलब पहले इसको क्या करेंगे ना, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल पूछा हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू का भी जितना मल्टीपल आएगा अगर लीस्ट नंबर मतलब रेशियो करके जितना निकालेंगे तो भी हमारा सेम ही आएगा। तो रेशियो पहले निकालते थे क्या, अगर 26 ये 2 से क्या, ये क्या हो गया 25, तो कितना हो गया 26/25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/25 प्लस
प्लस का 1/25, तो ये कितना हो गया, 1 हुआ। हम देख रहे हैं कि मल्टीपल 1 तो है ही, 1 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब मेरा ए आंसर हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा हम लोग एग्जैक्ट करके भी देख लेते हैं। 1/25, तो इसका हम डिवाइड करेंगे कितना होगा, 0.04 हो जाएगा ना, कि ऊपर में अगर 2 जीरो डाल के करेंगे तो 25 होगा 100, और 0.00 लगाएंगे है ना, तो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.04। आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना लिखती हूँ, बाकी इतना लिखना नहीं होता है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा फास्ट, हमारे हाथ से ज़्यादा फास्ट हमारा माइंड कैलकुलेशन हमेशा करता है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हम सबसे पहले दिमाग में कैलकुलेशन कर पाए, ताकि हम एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू।